नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार मेहरा और मैं आज आपको वायलिन में टू ऑक्टेव सी माइनर स्केल सिखाने वाला हूँ। टू ऑक्टेव सी माइनर स्केल्स हम लोग कैसे बजाएंगे, आज मैं आपको वो सिखाऊंगा। तो मैंने कहा था आपको स्केल्स प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी सॉन्ग बजाने के लिए आपको माइनर स्केल्स मेजर स्केल्स पूरी जाननी बहुत ज़रूरी है, तभी आप सारे सॉन्ग बजा सकेंगे। तो इसके लिए आपको सी माइनर स्केल और मेजर स्केल आपको प्रैक्टिस करने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक एक करके आपको स्केल सिखाते जाऊंगा और आप उसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं चाहता हूं आप जल्द से जल्द अच्छी तरह से स्केल प्रैक्टिस करके हर सॉन्ग को अच्छी तरह से प्ले कर सकें। तो मैं आज आपको सी माइनर स्केल्स में नोट्स क्या क्या होते हैं मैं वो बताऊँगा। पहले आपको तो पता है सी माइनर स्केल्स में नोट्स होते हैं सी डी डी शार्प एफ जी जी शार्प ए शार्प सी। तो आपके इसी नोट को अगर हम लोग रिपीट कर दें तो ये आपका टू ऑक्टेव स्केल्स हो जाते हैं। अगर हम लोग सारे गामा पाधानी सा अगर दो बार बजाएं तो वो टू ऑक्टेव स्केल्स हो जाते हैं। तो मेजर और माइनर में ज़्यादा फर्क नहीं होते, थोड़े से फ़र्क होते हैं। तो मेजर और माइनर में क्या फ़र्क होते हैं, हमारी जो मेजर की गा नोट है, मतलब ई नोट है, जो हमारी गा नोट है वो थोड़ी सी कोमल हो जाती है। तो इसी वजह से मेजर और माइनर में थोड़ी सी डिफरेंस है। जैसे कि मेजर में अगर ई होगा तो माइनर में डी शार्प होगा। तो मतलब गा को थोड़ा सा अगर फ्लैट कर दें तो वो आपके माइनर हो जाएंगे। तो माइनर में क्या क्या नोट्स होते हैं, माइनर में क्या क्या फ्लैट होते हैं, गा नोट फ्लैट होंगे, धा नोट भी फ्लैट होंगे और नी नोट भी फ्लैट होंगे। और मेजर में सी मेजर में सारे नॉर्मल होंगे, सी डी ई एफ जी ए बी सी। और माइनर में क्या होंगे, सी डी ई एफ जी ए बी सी, सॉरी ये मेजर के हैं। और माइनर के होंगे सी डी डी शार्प एफ जी जी शार्प ए शार्प सी। तो ये हैं माइनर के। तो माइनर में क्या होंगे, तीन शार्प नोट आ जाएंगे। तो माइनर में तीन शार्प नोट आएंगे और मेजर में नॉर्मल रहेंगे। सी मेजर के बारे में और सी माइनर के बारे में बता रहा हूँ। मेजर में नॉर्मल नोट्स रहेंगे और माइनर में क्या होंगे, आपके तीन शार्प नोट होंगे। बस यही थोड़ी सी डिफरेंस है, आपको ध्यान से उसे चेक करना है और ध्यान से आपको उसे देखना है तो आपको ये टेक्निक समझ में आएगा कि क्या क्या नोट है और उसके ऊपर आपको काम करना है, तभी आपको समझ में आएगा। और इसे बड़ा ध्यान से कीजिए। और आज हम लोग पहले बजाएंगे तो हम लोग सी माइनर स्केल्स टू ऑक्टेव कैसे बजाएंगे मैं पहले बताता हूँ आपको। जैसे कि आपको पहले वायलिन को ट्यून करना है, जी डी ए ई में ट्यून कर लें और उसके बाद आपको ये जी वाली स्ट्रिंग्स में, जो ये जी वाली स्ट्रिंग में 1 2 1 2 3 4 5, ये 5 फ्रेट बोर्ड से आपका सी है, ये 5 फ्रेट बोर्ड का ये सी है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करने हैं, तो सी माइनर स्केल यहाँ से स्टार्ट करने हैं। तो पहले आपको जी स्ट्रिंग में एक नोट बजाने हैं, उसके बाद डी स्ट्रिंग में आपके 5 नोट बजेंगे, ओपन से स्टार्ट होंगे, 5 नोट इसमें बजाने हैं। उसके बाद ए वाली स्ट्रिंग में 4 नोट बजाने हैं, मतलब 4 नोट्स बजाने हैं। और उसके बाद आपको ई वाली स्ट्रिंग में फिर 5 नोट बजाने हैं, तो आपके टू ऑक्टेव स्केल्स कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब जी वाली में 1 नोट बजाने हैं और ये डी वाली में 5 नोट, ए वाली में 4 नोट और ये लास्ट वाली में 5 नोट आपको बजाने हैं। तो आपको तो नोट पता ही होंगे, तो कैसे बजाना है मैं ज़रा दिखाता हूँ और बाद में आपको मैं सुंदर से नोट्स भी अगर प्रॉब्लम हो तो मैं लिख के बता दूंगा कैसे होते हैं। लेकिन आपको शायद नोट की जानकारी है तो आप इस नोट को चेक करिएगा और अच्छी तरह से बजाइएगा। आपको सी माइनर में बजाने हैं सी डी डी शार्प एफ जी जी शार्प ए शार्प सी। तो आपको ये नोट सारे इसमें बजाने हैं। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट करने बोला, 5 फ्रेट बोर्ड से सी स्टार्ट होंगे, उसमें 1 नोट बजाएंगे, उसके बाद बजाएंगे इसमें 5 नोट, ओपन बजाएंगे ऐसे 5 नोट बजाएंगे, उसके बाद बजाएंगे 4 नोट बजाएंगे, उसके बाद बजाएंगे ओपन, फिर 5 नोट बजाएंगे। मैं बजाता हूँ सी माइनर स्केल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5th फ्रेट बोर्ड से, ये
अच्छी तरह से बजाना है इसे, मैं इसे दिखाता हूँ अच्छी तरह से। थैंक यू, आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में एक नई स्किल्स के साथ। थैंक यू।